अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ चिकन फ्राई, चिकन 65। तो ये मैं आज चावल दाल के साथ बना रही हूँ। तो उस वाले चिकन फ्राई को आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल और मसूर की दाल दोनों को मिक्स करके धो के रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दाल को पका कर लिया है, मैं अब इसको तड़का दूंगी। दाल हमारी स्मूथ बने इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा घोट कर लेती हूँ। मैश करके लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने ग्लास में पानी डाला था गर्म ना लगे इसलिए, तो उसी पानी से मैं इस ग्लास को धोकर इसमें डाल देती हूँ। और चलिए तड़के की अब तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पतीला रख दिया है और अब इसमें मैं 1.5 नाप तेल डालूंगी। इसके बाद राई 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच डालना है। इसके बाद मैं दालचीनी और लौंग डाल रही हूँ। इसके बाद मैं हरी इलायची मैंने 2 डाली है। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन को दरदरा कूट लिया है, इसको भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पर कड़ी पत्ते हैं फ्रेश 10 से 12, उसको भी डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को भी काट कर डाला है। उसके बाद मैंने मिर्ची डाली है 2 काट कर और मैंने नमक भी डाल दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर में ढक रही हूँ यहाँ पर। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर जाएगी 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची और ये मीट मसाला डाला है मैंने 1 चम्मच। उसके बाद मैंने हरी धनिया भी डाल दी है। अब पकी हुई दाल को डालना है, अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब पकने छोड़ दूंगी मैं। तो यहाँ पर मैं चावल भी बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने 2 नाप तेल डाला है, उसमें प्याज डाली है। प्याज भी मैंने एक बिग साइज की ली है क्योंकि मैंने दाल में प्याज नहीं डाली है, तो इसी की प्याज मैं उसमें डालने वाली हूँ। तो देखिए मैंने डाल दी है थोड़ी सी ब्राउन करके। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर राइस बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ मैं चिकन 65 बना रही हूँ ना, तो इसके लिए बहुत सिंपल रखा है मैंने चावल को। तो यहाँ पर मैं 1/2 लेमन डाल रही हूँ इसमें स्क्वीज करके, तो इससे चावल सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका था, मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें धुले हुए। मेरा चिकन 65 का पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मेरे कहीं व्यूअर्स को चिकन फ्राई करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो क्या डालने से, कितनी क्वांटिटी में डालने से क्या दिक्कत आती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जब तक चावल पकते हैं तब तक मैं चिकन मैरिनेशन कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस, ये 1 नींबू का रस है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच। तो इसके बाद मैं डालूंगी ये अंबारी की मिर्च पाउडर है, ये 1.5 चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली है। इसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाली है 1 चम्मच। 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं इस बात का। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मीट मसाला, सुहाना का ये मीट मसाला है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने ये 1 चम्मच डाला है। तो इसके बाद मैं चाट मसाला डाल रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर चाट मसाला 1 चम्मच लिया है। चाट मसाला 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो 2 चम्मच डाल देना, या फिर थोड़ा सा कम खट्टा चाहते हो तो 1 चम्मच काफ़ी है। तो अब बारी आती है दही की। तो दही कितना डालना है 1 kg चिकन में, दही सिर्फ 3 चम्मच डालना है खाने के चम्मच से, 1 कटोरी बिल्कुल भी ना डाले, नहीं तो चिकन पूरा लिक्विडी हो जाएगा, पूरा आपको फ्राई करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। 1.5 kg चिकन भी आपने लिया है तभी आपको इसमें 3 चम्मच ही दही डालनी है। और अंडे का भी यही मेजरमेंट है, आप 1 kg लो या फिर 1.5 kg चिकन लो, अंडा 1 ही डालना है। अगर 2 किलो चिकन है तो दही की और अंडे की मात्रा बढ़ा सकते हो। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कॉर्नफ्लोर 6 चम्मच, कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हो। इसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पर 1.5 चम्मच, बेसन आपके पास अवेलेबल है तो आप बेसन भी 3 चम्मच डाल देना, मेरे पास नहीं था तो इसके लिए मैंने नहीं डाला है। बेसन की जगह पे आप मैदा भी ले सकते हो। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 अंडा, अंडा ज़रूर से डालें, ये ना सोचे कि अंडा डालने से स्मेल आ जाएगी अंडे की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं डाल रही हूँ फूड कलर बिल्कुल थोड़ा सा, ये रेड कलर का फूड कलर है, इससे कलर अच्छा आता है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आपके पास अगर ज़्यादा वक्त है तो आप इसको 1.5 घंटा या 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। तो चावल भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं चिकन फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पैन रखा है, ये फ्राई पैन है, तो इसमें तेल मैंने डाल दिया है, देखिए इतना ज़्यादा भरना नहीं है तेल को।
तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, अब मैं डाल रही हूँ चिकन पीसेस को। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है, तो देखिए मैंने डाल दिए जितने इसमें समा जाते हैं इतने। तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना है, और इस पर चाहे तो आप ढक सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं ढक रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं पलट रही हूँ, क्योंकि एक साइड को फ्राई करते हुए यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए उस साइड का कितना अच्छा भुन गया है चिकन। अब इस साइड को भी हमें 3 से 4 मिनट पकाना है, अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड को भी अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब मैं निकाल रही हूँ इनको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कलर देखिए आप कितना बढ़िया आया है इस पर। तो चलिए इसी तरह से सारे पीसेस को मैं फ्राई कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए ये प्याज भी कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। चलिए मैं अभी सभी को निकाल लेती हूँ, तेल इसका अच्छे से निथार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने थाली को सजा लिया है, तो हम तो इसको चावल दाल के साथ चिकन फ्राई को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप किसके साथ इसको एंजॉय करना चाहते हो। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बने हैं ये, बहुत बढ़िया से कुक हो चुके हैं अंदर तक। तो चलिए मेरी एक बेटी आपको पीस तोड़ कर दिखाएगी। तो देखा आपने ये अंदर से कितने सॉफ्ट बन चुके हैं, कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद करिए। अल्लाह हाफिज़।